मतलब बहुत अच्छा जो प्रेजेंटेशन है ब्रदर डॉक्टर सईद अब्रू ने यहाँ पर प्रेजेंट किया। अगर किसी दोस्त को सवाल हो तो वो सवाल कर सकता है, सिर्फ एक सवाल एक वक्त में, एंड वी हैव ओनली 10 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास हमारे मेहमान मौजूद हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात होगी, तो हम चाहते हैं कि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम सुने, तो वो हमारे लिए मज़ीद यानी फ़ायदे की चीज़ होगी। तो इस रो में अगर वॉलंटियर्स थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। अगर आप सवाल करें मेरे ख्याल में सुनने में आ जाएगा जब तक कि ये माइक आए। यहां से किसी ने हाथ रेज किया था, टैल लिए अगर आप सवाल करें। इस रूम में नहीं है किसी को? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल ये कि हम जो काम करते हैं वो डेली बेसिस पे नहीं होता, कभी कभी जो है हम एक दो दिन का गैप कर लेते हैं, इसी में हम कोई एक दो ऐसी टिप्स बताएं जो हम जो ये काम है डेली में कर सकें, डेली रूटीन में। इसमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का भी एक कॉल है, इमाम से ये रवायत है कि मोरा कह रहे कि हासबू कबल अन तुहासबू, अपना एहतसाब करो कबल इसके कि आपका एहतसाब किया जाए। तो हम जब रात को सोते हैं तो जो उम्र आज की है वो हम काउंट करें कि भाई कौन से उम्र मैंने किए और कल मैं कौन से करूँगा। अगर उसमें आप प्रायोरिटी सेट करें, मौके आप कह रहे हैं कि ये काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको खुद एक लिस्ट बनाए, एक दो तीन चार लिस्ट बनाए, उसमें कौन से जो है आप काम कर सकते हैं, पहले नंबर पर वो रखें, दूसरे नंबर पर रखें, तो टाइम मैनेज अगर आप करेंगे तो यू कैन डू दिस। किसी और दोस्त को सर सवाल ये है कि आजकल जो ये दौर है तो स्टूडेंट लाइफ जो होती है उनके सोच अलग होती है, उनके वालदान की सोच अलग होती है, वालदान सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये बने, और उस स्टूडेंट की जगह जहनी ख्वाहिशात अलग होती है, तो इसके बारे में सवाल ये है कि हम वालदान का कहना माने या अपनी आप सोचें। इसमें मैंने काफ़ी बताया कि वालदैन को आप इससे अच्छा है कि मैं डांट खिलवाएं मुझसे, क्योंकि आई एम ऑल्सो द पेरेंट। तो उसमें यह है कि अगर पेरेंट्स को चाहिए